एवरीवन, मेरा नाम है किशन कुमार। मैं एसके वेब डिजाइनर के थ्रू इस बोर्ड का डेमो देने वाला हूं, जिसमें जो नोट का फंक्शन है कैसे यूज़ किया जाता है, साइट टूल्स को कैसे यूज़ करें और स्टूडेंट को कैसे पढ़ाया जाता है, ये सारा मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे नोट फंक्शन आप देख रहे हैं, इस पर मैं टैप करता हूँ। सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन है। सेलेक्ट का यूज़ मैं बताऊंगा कैसे यूज़ किया जाता है। सबसे पहले मैं पेन का ऑप्शन दिखाता हूँ। पेन में जाते हैं आप, पेन में दोनों तरफ से राइट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पेन में आप, जैसे कि मैंने रेड चूज किया, रेड से राइट किया। जस्ट इसके बैक साइड से मैं कोई और कलर से राइट कर सकता हूँ सेम टाइम पे, येल्लो। आप रेड से राइट कर सकते हो, आप येल्लो से भी राइट कर सकते हो, मतलब ये दोनों तरफ से दो कलर का आप यूज़ कर सकते हो। जस्ट आप इस, जैसे कि मैंने अभी कुछ लिखा, मैंने लिखा एस के। ठीक है, अब मैं सेलेक्ट पे जाऊँगा। सेलेक्ट का यूज़ है किसी चीज़ को छोटा करना, बड़ा करना, कहीं मूव करना, और भी ऑप्शंस में मिलते हैं। जैसे कि मैंने सेलेक्ट पे क्लिक किया और मैंने इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसमें आपको कलर फिल करने का ऑप्शन आता है, जैसे कि मुझे इसे ग्रीन करना है तो ग्रीन कर सकता हूँ। उसके अलावा आप इसको स्मार्ट राइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें मैंने क्लिक किया, ये स्मार्ट राइट में कन्वर्ट हो गया। फिर से अंडू करता हूँ, फिर से मैंने सेलेक्ट किया इसे। इसके अलावा इसमें सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि आपने अभी कुछ कंटेंट लिखा और उसी के थ्रू गूगल पे सर्च करना है, तो आप सर्च पे क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट ये गूगल पे जाके सर्च होने लगेगा। कुछ भी आपने वर्ड लिखा, कुछ भी आप लिखोगे गूगल पे, आप सर्च कर सकते हो डायरेक्ट यहाँ से। ये देखिए, यहाँ पे एस के लिखा गया और ये गूगल पे सर्च हो गया। फिर से नोट पे चलते हैं हम। उसके अलावा एक मिनट, उसके अलावा इसमें आपको फ्लिप का ऑप्शन दिया हुआ है। इसे आप किस तरह से रोटेट कर सकते हो, जिस तरह से इसको आपको रोटेट करना है आप उस तरह से इसे रोटेट कर सकते हो। इसका कॉपी करना है तो आप क्लोन निकाल सकते हो, जस्ट इसका क्लोन आपके पास आ जाएगा। इसमें आपको डिलीट का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, अब इसके पास चलते हैं हम लोग इरेजर के पास। इरेजर में आपको ये इस तरह से इरेजर मिलता है। इरेजर का साइज या छोटा या बड़ा करना आप यहाँ से कर सकते हो, और यहाँ पे आप इरेज कर सकते हो जो भी इरेज करना है, ये आपका इरेज होने लगेगा। और अपने पाम का भी यूज कर सकते हो, अपने पाम का यूज करोगे ये इरेजर का ऑप्शन आ जाएगा। उसके अलावा जैसे कि मैंने एस के लिखा, ठीक है, आप पूरे बोर्ड को क्लीन करना, जस्ट मैंने आपका पूरा बोर्ड भर गया है पढ़ाने वक्त, तो पूरे बोर्ड को क्लीन करना, तो यहाँ पे क्लीन टू ऑल का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे मैं इस पर टैप करूंगा, बोर्ड आपका क्लीन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे रूलर का ऑप्शन मिलता है। रूलर जैसे कि आपको इसका नीड है और 150 डिग्री का एंगल बनाना है, तो आप यहाँ से 150 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। टैप करेंगे, ये आपका एंगल बन गया। उसके अलावा और भी रूलर्स दिए हुए हैं, स्केल का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे कि स्केल का यूज करना है आपको, चलिए, जैसे कि आपको यहाँ पे स्केल का यूज करना है तो आप स्केल का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा और भी रूलर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे रूलर्स आपको दिए हुए हैं। उसके जस्ट नेक्स्ट में आपको शेप का ऑप्शन मिलता है। शेप्स में आपको 2D 3D दोनों शेप्स मिलते हैं, और जैसे कि 2D शेप आपको चाहिए तो यहाँ से आप 2D शेप बना सकते हो। उसके अलावा जस्ट यहाँ पे नीचे आपको 3D शेप मिलता है। मैं पहले पेज ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि आपको 3D शेप क्लियर बनाना है तो आप यहाँ से 3D शेप बना सकते हैं। जिस तरह का 3D शेप चाहिए आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इसका कलर चेंज करना है तो सेलेक्ट करके आप कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कलर चेंज करने का ऑप्शन दिया हुआ है, आप कलर चेंज कर सकते हो। ओके, उसके अलावा आप इसके जस्ट बगल में देखेंगे, यहाँ पे आपको टेबल का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि आपको टेबल का नीड है, 2x2 का टेबल का नीड है या 3x3 का टेबल का नीड है, तो आप यहाँ से इंसर्ट करके यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अब इसमें आपको कुछ लिखना है, हर एक टेबल में कुछ ना कुछ आपको लिखना है, तो आप पेन चूज कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे T1, T2 और T3 मैंने लिख दिया। अब उसके बारे में समथिंग कुछ लिखना है तो आप यहाँ से राइट कर सकते हैं। उसके अलावा आप जैसे इसको आप जिस तरह से लिखोगे तो ये ऑटोमेटिक पेज को एडजस्ट करता है, मतलब आप जितना बड़ा लिखोगे ऑटोमेटिक ये पेज एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, उसके अलावा उसके जस्ट बगल में आप देखिएगा, यहाँ पे आपको माइंड मैप का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि आप किसी तरह का ब्रांचेस वगैरह कुछ पढ़ा रहे हो
कि हाँ फिजिक्स का इतना ब्रांच होता है या केमिस्ट्री का इतना ब्रांच होता है, कुछ भी पढ़ा रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, तो यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे कि टाइम मैंने यहाँ लिख दिया, और टाइम को यहाँ पर ऑप्शन आ गया, आपको सजेशन भी मिलता है साथ में कि आपको यहाँ पर टाइम लिखना है, तो यहाँ पर आप टाइम पर क्लिक करोगे, यहाँ पर टाइम राइट हो जाएगा। अब टाइम में यहाँ पर मैं T1 लिख दूँ तो T1 हो गया मेरा यहाँ से। उसके अलावा यहाँ पे आपको T2 लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी कुछ लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हो। और इसमें भी ऑप्शन आपको आता है कि आप यहाँ पेज एडजस्ट करोगे तो आपका पेज एडजस्ट हो जाएगा। दूसरा चीज, आप ये सेलेक्ट कर लोगे फिर से तो आपको यहाँ पे पेजेस और भी ब्रांचेस आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से आपका ब्रांचेस ऐड होंगे, यहाँ से आपका ब्रांच और भी ऐड हो सकता है, जितना भी आपको ऐड करना है आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, आपके ब्रांचेस यहाँ से ऐड होते जाएंगे। उसके अलावा आपको यहाँ पे जस्ट बगल में स्टिकी नोट्स का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आप पढ़ाते वक्त बाद में कोई और टॉपिक्स पढ़ाना चाहते हैं, आपको याद रखना है, तो एज यहाँ पे स्टिकी नोट्स का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे कि मुझे यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाना है बाद में, तो यहाँ पे फिजिक्स मैंने लिख दिया और ये जस्ट कॉर्नर में जाकर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ओके करते ही वो उस कॉर्नर में जाकर आपका शिफ्ट हो गया। अब बाद में आप पढ़ाओगे तो उसे ध्यान में भी आएगा कि मुझे फिजिक्स पढ़ाना था या कोई भी टॉपिक पढ़ाना था, तो आप यहाँ से पढ़ा सकते हो, या फिर आप इसको मूव भी कहीं कर सकते हो सेलेक्ट का यूज करके। इसे सेलेक्ट का यूज किसी चीज को मूव ही करना होता है, तो आप इसे कहीं भी किसी जगह पे मूव कर सकते हो, यहाँ पे रखना चाहते हो तो यहाँ पे रख सकते हो, या फिर उसका कॉपी निकालना चाहते हो तो आपका यहाँ पे ये कॉपी भी आ जाएगा। जस्ट उसके बगल में आप प्रीव्यू देखोगे, जैसे कि आपने पूरा कंटेंट अभी कुछ लिखा है, ठीक है, कंटेंट लिखने के बाद आपने कोई भी कंटेंट लिखा, और कंटेंट लिखने के बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन है कि इसको छोटा करके एक कॉर्नर में रखना चाहते हैं, तो आप दो हैंड को ऐसे क्लिक कीजिएगा, आपका सारा कंटेंट छोटा हो जाएगा, और इसके बाद आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद एक कॉर्नर में आप इसे, मतलब एक ही पेज में कई कंटेंट को आप एक बार में शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बगल में आपको यहाँ पर ग्रिड का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि एक पेज जैसा क्रिएट होगा और आप इस पर कुछ लिखो, जैसे कि आपको यहाँ पर कोई कंटेंट लिखना है, हेलो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये पेज बढ़ता जाएगा, आप जैसे लिखोगे ऑटोमेटिक ये पेज बढ़ता जाएगा, ओके। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अंडो का ऑप्शन मिलता है, बैक जाना है तो आप बैक जा सकते हो, यहाँ से बैक का ऑप्शन दिया हुआ है, आगे जाना है तो आप यहाँ से आगे जा सकते हो, और यहाँ पे आपको पेजेस ऐड करने के ऑप्शन दिए हुए हैं, जितने भी आपको पेजेस ऐड करने हैं तो आप इस पे टैप करोगे, आपके पेजेस ऐड होते जाएंगे। उसके अलावा सारे पेजेस आपको यहाँ दिखेंगे, आपने जितने भी पेजेस क्रिएट किए हैं सारे पेजेस आपको यहाँ पे दिखेंगे, और इसे डिलीट करना है तो डिलीट भी यहाँ से कर सकते हो। जस्ट इसके बगल में आप देखोगे तो यहाँ पे लिस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, लिस्ट पे आप टैप करोगे तो जितने भी आपने पास्ट में पेजेस क्रिएट किए हो तो आप यहाँ पे ये शो करेगा, फिर या नया क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे नया क्रिएट कर सकते हो। उसके अलावा आपको यहाँ पे शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि आप शेयर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये एक क्यूआर जनरेट करेगा, आपने जितना भी अभी कंटेंट पढ़ाया है स्टूडेंट को शेयर करना है तो वहाँ पे एक क्यूआर जनरेट होता है, अगर स्टूडेंट इसे स्कैन करते हैं तो वो अपने फ़ोन में देख सकते हैं, या फिर आप इसे स्कैन करके जब अपने फ़ोन में खोलोगे तो एक लिंक मिलेगा, आप उस लिंक को अगर व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम किसी जगह पर स्टूडेंट को शेयर करते हो तो स्टूडेंट कहीं भी हो बैठे बैठे अपना कंटेंट रेडी कर सकते हैं, उसे खोलकर आराम से अपने जितना भी बोर्ड पे पढ़ा है वो अपने फोन में देख सकते हैं। जस्ट इसके बगल में आपको एग्जिट का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर इसे एग्जिट करना है तो आप एग्जिट कर सकते हो, और फिर आपके बाद इधर बगल में आपको मेन्यू का ऑप्शन मिलता है, मेन्यू में जाओगे तो अक्सर आपको नया पेज क्रिएट करना है तो आप यहाँ से नया पेज क्रिएट कर सकते हो, कुछ ओपन करना है तो ओपन कर सकते हो, सेव करना है तो आपका ये सेव हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपके पास कोई PDF है, किसी तरह का इमेज है तो आपको यहाँ इंसर्ट करना है जस्ट इसके बोर्ड पर, तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने इंपोर्ट पे क्लिक किया, मुझे कोई इमेज इंसर्ट करना है जो कि मेरे फोल्डर में या पेन ड्राइव में पहले से मौजूद है, तो इस पे मैं क्लिक करूँगा इमेज पर। इमेज पे क्लिक करते ही मान लीजिए मेरे पास डाउनलोड फोल्डर में कोई इमेज है और मैंने इस पे क्लिक किया, ओके करते ही ये हमारा इमेज यहाँ पर आ गया। अब इसे कहीं भी मूव करना है या छोटा या बड़ा करना तो वो आराम से आप कर सकते हो सेलेक्ट का यूज करके। देन अब आपको पढ़ाना है तो इसके इसके टॉपिक को आप यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये कैट है, मतलब कुछ भी आप पढ़ा सकते हो यहाँ से फोटो लाने के बाद। सेकंड,
अगर आपको इसमें पीडीएफ इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पे पीडीएफ भी इंसर्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट आपका पीडीएफ इस पे इंसर्ट हो जाएगा। आप पीडीएफ पे क्लिक करोगे और आपका पीडीएफ किसी भी फोल्डर में या पेन ड्राइव में है तो वहां से आपको इंसर्ट करना है। जस्ट लाइक मेरे पास पीडीएफ मेरे पेन ड्राइव में है, तो यहाँ पेन ड्राइव मेरा शो कर रहा है, ठीक है। पेन ड्राइव पे मैंने क्लिक किया और मेन्यू फोल्डर पे गया, जैसे कि यहाँ पे मेरा एक फिजिक्स सॉरी ये रहा हमारा पीडीएफ। पीडीएफ हमारा 90 पेजेस का है, डायरेक्ट आपका यहाँ पे इंसर्ट हो गया है, सारा पीडीएफ आपका डायरेक्ट आप यहाँ पे इंसर्ट हो गया। आप इसे एक कॉर्नर में रख कर इसे बड़ा करना चाहते हैं तो आप बड़ा भी कर सकते हैं, या फिर रिफ्रेश होकर बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि आप आराम से इसको पढ़ा सकते हैं। ओके, उसके अलावा आपको यहाँ पे थीम वगैरह अगर आपको चेंज करना है, जैसे कि आपको थीम चेंज करना है, इसका बैकग्राउंड वाइट नहीं रखना है, ब्लैक रखना है, ग्रीन रखना है, तो आप यहाँ से अपने मन से कोई भी कलर चूज करना चाहते हो तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो सर। जैसे कि थीम पे मैं गया, थीम पे एक तरफ आपको टेम्पलेट का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आपको इस तरह का बैकग्राउंड चाहिए तो ये आ जाएगा, या फिर आपको ये नहीं चाहिए कलर चाहिए तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन दिया हुआ है, पहले से मैं ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे बैकग्राउंड पे गया, ये सारे आपको बैकग्राउंड के कलर मिलते हैं, आपको जो कलर यूज करना है आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, जिस तरह का कलर भी हो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। या फिर आपके पास कोई इमेज है इस साइज का तो आप यहाँ पे अपना इमेज भी लगा सकते हैं, आपका इंस्टीट्यूट हो या कॉलेज हो या किसी तरह का भी इमेज यहाँ पे इंसर्ट करना है तो डायरेक्ट आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे हम जाते हैं सेटिंग में, ठीक है। यहाँ पे आपको होम बटन मिलता है, बैक बटन है, यहाँ पे जितने भी आपने कंटेंट खोले हैं वो आपको यहाँ पे शो होगा, जैसे मैंने ब्राउजर ओपन किया था वो आपको शो होगा। ये आपका नोट हो गया, जस्ट इसके नीचे आप देखोगे यहाँ पे आपको फाइंडर का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे सारे ऐप्स आपको दिखेंगे जो आपको इसमें दिए गए हैं। उसके अलावा जैसे कि ये सारे एप्लीकेशन आपको दिखेंगे, उसके अलावा आपको यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए हुए हैं जिसका मैं यूज बताता हूँ कैसे यूज करना है। जैसे कि मैं अभी गूगल पे पढ़ाना चाहता हूँ, मेरे पास कोई इमेज नहीं है और मैं गूगल पे जाकर पढ़ाना चाहता हूँ, जैसे कि मुझे रिफ्लेक्शन पढ़ाना है तो रिफ्लेक्शन का कुछ रूल्स यहाँ पे दिया हुआ है तो हम इसी पे हम पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पेन का नीड होगा, इंक कहीं पे कहीं ना कहीं इसका नोट का फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मैंने बताया कि जो पेन है आपको इस पर आप क्लिक कीजिएगा, एक फंक्शन ओपन होगा, टूल्स ओपन होगा, जिसके थ्रू आप कहीं भी किसी भी जगह पे राइट कर सकते हैं। अगर कोई एप्लीकेशन ऐप है या गूगल पे है या कोई पीडीएफ आपने ओपन कर रखा है कहीं अलग जगह पर इसमें, तो आप कहीं भी किसी भी जगह पे आप राइट कर सकते हैं। जैसे कि इस मैंने एक कॉर्नर पे इसे शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे आपको पेन का ऑप्शन मिल जाता है, पेन पे आप राइट कर सकते हो कहीं भी किसी भी जगह पे, या फिर आपके पास कोई पीडीएफ पहले से है तो आप पीडीएफ के थ्रू भी राइट कर सकते हैं। पहले से आप इसे और भी इसमें ऑप्शंस दिए हैं, आपको इसको क्लीन करना है तो आप क्लीन कर सकते हो, सेव करना है तो सेव कर सकते हो, और किसी तरह का फाइल इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पर फाइल वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं। अभी इसे कैंसिल कर देता हूँ, फिर इसके बाद मैं पहले से क्लीन करता हूँ। ये क्लीन हो गया हमारा। अब जैसे कि आपके पास कोई फाइल है, मैं फाइंडर पे गया, जैसे कि ये वाला पीडीएफ मुझे ओपन करना है और इसी पे पढ़ाना है, कोई नोट्स वगैरह पे नहीं पढ़ाना है, तो आप इसमें वो भी कर सकते हो। जस्ट वन मैंने क्लिक किया, ये ओपन हो रहा है, WPS ऑफिस के थ्रू ओपन होता है आपका पीडीएफ। इसमें इसके थ्रू आप वर्ड ऑफिस ओपन कर सकते हो, पावर पॉइंट ऑफिस ओपन कर सकते हो, ठीक है। ये आपका पीडीएफ ओपन हो गया। आप चाह रहे हो कि यहाँ पे पढ़ाना है तो पेन का ऑप्शन होना चाहिए था, तो पेन का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे इस पे टैप करेंगे पेन का फंक्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा, सारे टूल्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। अब इसको एक कॉर्नर में आप शिफ्ट कर सकते हो, उसके बाद आपको स्टूडेंट को जिस तरह से पढ़ाना है आप यहाँ पे पढ़ा कर दिखा सकते हो। ये फ्राइडे फर्स्ट मेड है जो भी है, पब्लिक हिज एक्ट डिस्कवर्ड या जोसेफ हेनरी, कुछ भी आपको दिखाना है तो यहाँ से आप दिखा सकते हैं। फिर इसको आपको कट करना है, कट करने के बाद आप इसे स्क्रॉल करके ऊपर कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन मिलता है, आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे नेक्स्ट में आ जाएगा,
जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है, इसमें आपको पावर पॉइंट ओपन करना है तो आप वो भी ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें ये सारे पोर्ट्स आपको मिलते हैं, HDMI है, HDMI 2 है, टाइप सी का ऑप्शन दिया हुआ है, साउंड एडजस्टमेंट आपको यहाँ से होगा, आई केयर का ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। या फिर आप इसको एज अ PC भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, HDMI से कनेक्ट कर लें CPU को, या फिर डायरेक्ट इसमें OPS लगता है, आप OPS भी ऐड कर सकते हो, जो एज अ सिस्टम आप इसे यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आपको यहाँ पे इसे बंद करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसे शट डाउन कर सकते हैं। जस्ट इसके और भी ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको टाइमर का ऑप्शन मिलता है, क्लासेस वगैरह चल रहे हैं तो स्टूडेंट को यहाँ पे टाइमर आप सेट करके दे सकते हो। और इसके नीचे आप जाइएगा तो यहाँ पे स्टॉप वॉच का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आपको स्टॉप वॉच के बारे में बताना है, मतलब स्टॉप वॉच स्टार्ट कर ले, किसी तरह का टेस्ट वगैरह चल रहा है तो उसमें भी यूज हो सकता है ये। उसके अलावा आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करना है तो इसके थ्रू आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, पूरे स्क्रीन को ये रिकॉर्ड करेगा। उसके बगल में बोर्ड को फ्रीज करना है तो फ्रीज कर सकते हैं, किसी तरह का बाय चांस इसको क्रॉप करना है मुझे तो आप इसे क्रॉप कर सकते हैं, ये आपका क्रॉप हो जाएगा, आप इसे सेव करके ये आपके फाइल में जाकर सेव हो जाता है, आप इसे सेव करना है तो सेव कर सकते हैं, कैंसिल करना है तो कैंसिल कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, फाइल ट्रांसफर है, कैमरा, अगर अलग से आपके पास कोई वेबकैम कैमरा है तो इसे इंसर्ट करके आप वीडियो कॉलिंग वगैरह कर सकते हैं, कैलेंडर का ऑप्शन है, स्क्रीन लॉक, अगर आपको स्क्रीन लॉक, एक्चुअल क्या है बहुत से ऑफिस में या स्टूडेंट जो होते हैं ना बोर्ड को खोलने लगते हैं कि हमको यूज़ करना है तो उस चक्कर में बोर्ड खराब हो जाती है तो उसको नहीं दिखाना है तो आप यहाँ पे स्क्रीन लॉक कर रख सकते हैं, स्टूडेंट से बचा सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे स्प्लिट मोड का ऑप्शन दिया हुआ है, स्प्लिट मोड पे आप जाएंगे अब बोर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि एक तरफ मुझे नोट फंक्शन ओपन करना है और जस्ट इसके इस साइड मुझे ब्राउजर ओपन करना है तो मेरा ब्राउजर इस तरफ ओपन हो जाएगा। एक साथ आप दो एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं एक ही टाइम पे, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ा भी रहे हो और स्टूडेंट को यहाँ पे लिखकर दिखा भी रहे हो तो आप दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। या फिर फॉर एग्जांपल आपको इमेज चाहिए इमिडिएटली गूगल के थ्रू डायरेक्ट इस पर, आप वो भी कर सकते हैं, इमेज पे जाना है आपको, जैसे कि ये वाला इमेज मुझे चाहिए, ये इमेज मुझे उस नोट पर चाहिए, आप इस पर टैप करोगे, टैप करते यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सेव इमेज का, व्यू इमेज का, सेट एज अ वॉलपेपर का ऑप्शन आता है और इंपोर्ट टू नोट, आप जैसे इंपोर्ट टू नोट पे क्लिक करोगे ये डायरेक्ट आपके उस बोर्ड पर शिफ्ट हो जाएगा। अब आप मतलब इमेज को कहीं किसी भी समय पे गूगल से डायरेक्ट अपने नोट पे भी आप ला सकते हो, इसे कैंसिल करोगे ये आपका बड़ा हो जाएगा, अब आप उसको यहाँ से आराम से इसे कहीं भी शिफ्ट करके एक कॉर्नर में रख के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं अपने पेन से, जो भी आपको चूज करना है यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि यहाँ ये ऐसे जो भी है, ठीक है। यहाँ पे आपको फोन को शेयर करना है तो आप फोन को शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच। Thank you.